नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और खुशहाल होंगे। सर्दी का मौसम बहुत तेज़ी से अपना रंग रूप दिखा रहा है, ऐसे में छोटे बच्चों का ध्यान रखें। अगर ध्यान नहीं, अगर आपके पास पुराने कपड़े जो आप ना पहनते हो, पुराने स्वेटर कम्बल इत्यादि, तो इन्हें लेकर आप रात को निकलिए। अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा गरीब व्यक्ति दिखता है जो ठंड से ठिठुर रहा, तो उसको कपड़े कंबल स्वेटर इत्यादि जरूर दीजिए, ये एक पुण्य का कार्य होगा। ऐसे में आप कुछ घर के बचे हुए भोजन को भी या घर से बने हुए भोजन को भी आप लोगों में वितरण कर सकते हैं। एक खुराक दो खुराक, ये बड़ा पुण्य का कार्यक्रम होगा। लेकिन आज हम बताएंगे आपको कि बड़ी से बड़ी बीमारी हमारे, देखिए दर्शक में से किसी दर्शक ने पूछा था कि गुरुजी एक वीडियो बनाइए जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को दूर करने में सक्षम हो। तो देखिए तंत्र मंत्र अभी बहुत सारे ऐसे में बुद्ध जी भी हमारे सनातन ही धर्म के, गैर लोग नहीं, सनातन धर्म के वो लोग जो आजकल बहुत एडवांस बनने के चक्कर में कुछ भी तर्क बात करना चालू कर देते हैं, हमारे धर्म को, हमारे मंत्रों को पाखंड कहना चालू कर देते हैं। ऐसे लोगों से तर्क वितर्क करना, यानी समझ जाइए कि कुत्ते से बहस करना। तो ये भी जो मैं वीडियो डाल रहा हूं, इसमें लोग कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत थी, बड़े बड़े जो ट्रामा सेंटर की क्या ज़रूरत थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ज़रूरत किस लिए है कि लोगों को जानकारी नहीं, ज़रूरत किस लिए है कि लोग कभी ये सीखना नहीं चाहे, ज़रूरत किस लिए हुई आज कि इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है। अगर इस चीज़ का ज्ञान होता, इस चीज़ का तजुर्बा होता, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आप नियम से रहते, आहार विहार संस्कार नियम से होता, तो इन हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं होती। प्यारे दर्शकों, बड़ी पीड़ा होती है जब अपना ही भाई अपने धर्म के ऊपर कीचड़ उछालता है। ऐसे लोगों के जीन में कहीं ना कहीं से कहीं से ना कोई मिक्सचर हो जाता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप हंस रहे हैं, हंसने के बाद नहीं, सत्य है। देखिएगा उसके बाबा दादा में से कहीं ना कहीं जीन चेंज हुआ होगा। तो घर में कैसी भी बीमारी हो, उसको इस मंत्र द्वारा ठीक किया जा सकता है, या आराम दिया जा सकता है, या संपूर्ण वो जड़ से नाश भी हो सकती है, ये तो देव जाने। इतना मैं खुला चुनौती देता हूँ कि इसका प्रयोग आपके जो बरसों से जिसको डॉक्टर मना कर दिए हों कि ले जाओ इनका इलाज करो, भगवान के भरोसे हैं, 10 दिन चलेंगे, 15 दिन चलेंगे, इस उपाय को करना, जो डॉक्टर जो साइंस बोल दिया था कि 10 से 15 दिन चलेंगे, तो मैं वादा करता हूँ उनको 6 महीने से प्लस जिंदगी हो जाएगी। 6 महीना जितना आप अच्छा कर लेंगे उतने वो बढ़ जाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसे रोग जिनका स्वतः नाश भी हो जाए। तो चलिए ऐसे ही चमत्कारी उपाय मैं अपने सनातन बंधुओं को आज समर्पित कर रहा हूँ, इसी आशा के साथ कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका सम्मान मुझे मिलता रहेगा। एक बेटे के तरीके, एक सेवादार के तरीके, एक अपने घर के मेंबर के तरीके, ना कि कोई तांत्रिक बाबा गुरु के तरीके। आप सभी लोगों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, ऋषि संतों को, हमारे जो साधु महात्मा देख रहे हैं उनको प्रणाम करते हुए, हमारे जो सनातनी बंधु हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, ये भारतीय जो चमत्कारी मंत्र विधान मैं आपके समर्पित कर रहा हूं। दर्शकों, जब आपको पता चले कि ये व्यक्ति बहुत पीड़ा में है, तो उस व्यक्ति के बराबर एक काला धागा लेना है शनिवार को, उस पर शनि भगवान का 5 बार नाम बोलकर गांठ मारकर इसको पीपल पे बांधें। अब आएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार। अब मंगलवार से आपको क्या करना है, तांबे का एक लोटा लेना, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल, 2 बूंद शहद, 2 बूंद गाय का दूध, 2 बूंद गाय का घी, और गंगा जल डालने के बाद तुलसी की पत्ती डाल देना। सूर्य उदय के समय सूर्य को देखते हुए कुश आसन पर बैठकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो मंत्र दे रहा हूँ उसकी 5 माला करना। 5 माला करने के बाद उसके ऊपर दम कर देना, हर एक माला करने के बाद लोटे के ऊपर फूंक मार देना। ये फिर जल नहीं, अमृत हो जाएगा, अमृत।
फिर इस जल को पूरे दिन उस रोगी को पिलाना है, जब भी वह भूखा ना खाए या कुछ खाए तो थोड़ा 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 करके पूरे दिन पिलाना है। आप पहले दिन करिएगा, पहले दिन का जो रिजल्ट आपको मिलेगा रोगी खुद बताएगा कि उसका क्या हाल है, कैसा है। ये वीडियो मैं अपने लिए नहीं, व्यूअर्स बटोरने के लिए नहीं, बल्कि ध्यान से सुनिए, यूट्यूब से या किसी माध्यम से मुझे 10-5 व्यूअर्स आपके द्वारा अगर बढ़ जाते हैं तो 5 पैसा 30 पैसा इकट्ठा करके मैं कोई भिखमंगा तो नहीं कि कटोरा लेके बैठा हूँ। मैं इसलिए बैठा हूँ कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप भी एक अच्छे इंसान हैं, आप भी एक समझदार इंसान हैं, आप भी जो वीडियो शेयर करने योग्य हैं उनको शेयर करिए, नहीं करने योग्य मत करिए। लेकिन ऐसी वीडियो मेरे ख्याल से हर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए, हर सनातनी तक पहुंचना चाहिए, सनातनी नहीं बल्कि हर मजहब के जो अनुयायी हैं उन तक पहुंचना चाहिए, ताकि मानव जात का कोई भी बंदा, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो पीड़ित है, उसका परिवार पीड़ित है, तो हमारे सनातनी विद्यास द्वारा उसका कुछ उद्धार हो सकता है, तो हम क्यों ना इसमें हिस्सा बढ़ें, उसका क्यों ना उद्धार कर दें, उसको क्यों ना पीड़ा से मुक्ति कर दें। ये हमारा सनातन धर्म है। प्यारे दर्शकों, इसको करिए। ये मंत्र क्या है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूं, इसका उपयोग करिए। मैं वाचा अपना खा के बोल रहा हूँ, मैं खुद अपने स्वयं की शपथ खाकर बोल रहा हूँ, इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इससे बड़ी कोई और मैं विश्वास दिलाने योग्य बात है ही नहीं। इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। आप अपने प्रियजन, आपके जो भी बीमार हो, उनको एक बार प्रयोग करें, और जब आपका रोगी ठीक हो जाए तो जीवन में कुछ नहीं चाहिए, उसके हाथ से 5 पेड़ फलदार कहीं लगवा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। यूं ही आपका आशीर्वाद बने रहे। जय भारत माँ की, जय गौ माँ की, जय संजीवनी सुधा महाशय महाराज की जय।